हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेबी झबला और पैजामी बनाना बताऊंगी। तो झबला बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा कट किया है। कपड़ा हमारा इस तरह से फोर फोल्ड में है। आगे का टू पार्ट मैंने छोटा लिया है, पीछे का मैंने बड़ा लिया है। तो इसको हमें दूसरा कपड़ा लगा करके डिज़ाइनिंग करनी है, इसलिए मैंने दोनों पार्ट को छोटा बड़ा किया है। तो आगे वाले पार्ट की लंबाई है 9 इंच और पीछे वाले की लंबाई है 12 इंच। तो अब सबसे पहले हमें इस पर निशान लगाना होगा। तो यहाँ से हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले हमें गले के लिए निशान लगाना होगा, जो कि हम 2 इंच पे लगा लेंगे, और यहाँ से 2 इंच कंधे का निशान लगाएंगे। तो टोटल हमारा ये 4 इंच हो जाएगा। अब यहाँ से कंधे को हमें 1/2 इंच तिरछा करना होगा। तो यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे निशान लगाएंगे। अब ये 1/2 इंच कटने के बाद फिर 1/2 इंच कपड़ा हमारा आगे की साइड पलट के आएगा। तो यहाँ से हम 4 इंच नीचे निशान लगाएंगे, जो कि हमारा आर्मोल 3.5 इंच तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने इस निशान को सीधा कर लिया है और यहाँ से कंधे को मैंने इस तरह से तिरछा निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हमें गले का निशान लगाना होगा। तो पीछे का गला हमें 1 इंच गहराई देनी होती है, लेकिन यहाँ पर हम 1.5 इंच गहराई देंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा कंधा आगे की साइड आएगा, उसका भी हमने 1/2 इंच इसी में ज्वाइंट कर लिया है। तो इसलिए मैंने 1.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इस तरह से मैंने आरमोल की गोलाई दे दी है। अब इस निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से पहले हम कपड़े को कट करेंगे। यहाँ से हम पीछे के गले की कटिंग कर लेंगे। तो पीछे वाला गला मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ से हमें आरमोल की कटिंग कर लेनी है। तो ये सारी कटिंग करने के बाद अब आप देख सकती हैं कि आगे का जो पार्ट है, इतना छोटा जो मैंने रखा है, लगभग 3-3.5 इंच छोटा मैंने रखा है, वहाँ पर हमें दूसरे कलर का कपड़ा लगाना होगा। और यहाँ पर हमें पीछे का कंधा जो है वो आगे की साइड आएगा, तो उस हिसाब से हमें कपड़े को कट करना होगा। तो पहले हम यहाँ पर इस तरह से कपड़े को रखेंगे। सिलाई वाला कपड़ा भी हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे, और फिर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम दूसरी साइड इस तरह से बाहर निकाल देंगे। और ये देखिए, पीछे का कंधा इस तरह से तिरछा है, तो हम आगे वाले में भी इसी तरह से तिरछा कट लगाएंगे यहाँ से। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसे तिरछा कट कर दिया है। अब यहाँ से हमें गले को कट करना होगा। तो गला हम लगभग 1.5 इंच की गहराई में कट करेंगे। फिलहाल मैंने निशान नहीं लगाया है, लेकिन आप निशान लगा करके कट करें तो ये 1.5 इंच पर कट करना होगा। तो मैंने आगे वाले गले की भी कटिंग कर दी है। इस तरह से देख सकती हैं कि मैंने 1.5 इंच की गहराई इसकी कट की है। अब यहाँ आरमोल की तरफ थोड़ा सा कपड़ा निकला हुआ है, तो इसे भी हमें कट कर देना है। तो देख सकती हैं कि इसकी कटिंग हमारी कुछ इस तरह से तैयार हो गई है। ये हमारा गला है। अगर गले की साइज़ थोड़ा छोटी लगे तो बाद में हम उसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। अब ये मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं। ये दोनों पट्टियाँ हमें आगे की साइड लगानी है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको रखेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो दोनों पट्टियों को सेम साइज़ से हम कट कर लेंगे। ये पट्टी मैंने कट कर ली है, इसमें ज्वाइंट करना होगा आगे वाले पार्ट में। अब नीचे की साइड भी हमें पट्टी लगानी है, तो उसके लिए भी मैंने इस तरह से कपड़ा कट किया है। बीच में इसे ज्वाइंट लगाना होगा और नीचे की साइड हमें डबल फोल्ड करके इसको ज्वाइंट करना रहेगा। तो इस तरह से इसी की लंबाई से मैंने इसे भी कट कर लिया है। इस पट्टी की चौड़ाई है 3.5 इंच और लंबाई मैंने कपड़े के हिसाब से ली है, यानी कि जो हमारा झबला होगा उसके हिसाब से। तो सबसे पहले सारी पट्टियों को मैंने साइड में रखा है, पीछे वाले पार्ट को भी साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को ले लेना है। यहाँ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से अब हमें इन दोनों पार्ट को इस तरह से खोल के रख लेना है और ज्वाइंट को हमें इस तरह से रख लेना है। अब हम इस ज्वाइंट को उल्टी साइड यहाँ रख करके सिलाई लगाएंगे और दूसरे वाले पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने दोनों पर सिलाई लगा ली है और यहाँ पर मैंने डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा लगा दिया है। अब हमें ये वाली पट्टी लेना है, जो कि हमें नीचे की साइड से रख करके इसको ज्वाइंट करना होगा। तो पहले दोनों पार्ट को हम उल्टी साइड रख लेंगे और पट्टी को यहाँ पर हम रखेंगे, दोनों पट्टियों को, और दोनों पर एक एक सिलाई हम लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे सीधी साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ऊपर की साइड से सिलाई लगा लेंगे। दोनों पट्टियों को सेम तरीके से सिलाई कर लेना है। तो देखिए, मैंने इन पट्टियों की सिलाई कर ली है। अब हम पीछे वाले पार्ट को लेंगे और इस पर हमें फ्रंट पार्ट को यहाँ से रख लेना है। इन दोनों को इस तरह से रखने के बाद आप देखेंगे कि हमारा पीछे वाला पार्ट जो है वो 1 इंच लंबाई में है। तो इस सिलाई के बाद हमें इस तरह से खींच के बराबर करना होगा, तो पीछे वाला कंधा हमारा आगे की साइड आएगा। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि सिलाई का फाइनल लुक, इस तरह से मैंने इसको सिलाई किया है।
ये इतना सिलाई करने के बाद फिर वापस से हमें इस तरह से इसको खोल लेना होगा और इसमें हमें पाइपिंग लगानी है। तो सबसे पहले हम गले में और दोनों बाजू में पाइपिंग लगाएंगे, दोनों बाजू में और गले में सबसे पहले हम पाइपिंग लगा करके इसको हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने ब्लैक कलर की पाइपिंग ली है, इस पाइपिंग को हमें लगा लेना है। ये मैंने पाइपिंग लगा करके इसको रेडी कर लिया है गले में और दोनों बाजू में। अब वापस से हम इसको इस तरह से रखेंगे। अब हम इसकी उल्टी साइड करेंगे और यहाँ से हम इसे रख करके साइड से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद फिर वापस से हम इसको सीधा करेंगे। तो सिलाई लगा ली है मैंने, अब इसको हमें सीधा कर लेना है। इसको सीधा करने के बाद अब नीचे की साइड हमें पट्टी लगानी है जो मैंने पहले कट करके रखी हुई है। तो पहले हम पट्टी को लेंगे। तो आप पहले इस तरह से नाप लेना है, देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना होगा। पट्टी को इस तरह से रखेंगे और हम इस जबले को भी इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और एक सिलाई से हम इसे ज्वाइंट करेंगे। फिर वापस से हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की साइड, और इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा जबला देखिए बनके तैयार है, पूरी तरह से हमारा जबला कंप्लीट हो गया है। बस हमें इसमें काज बनाना है और बटन लगानी है, तो हम काज बटन बाद में लगाएंगे, पहले हम इसकी पैजामी के लिए कपड़ा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पैजामी के लिए कपड़ा लिया है। इस कपड़े की लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई इसकी है 7 इंच। पैजामी की चौड़ाई हमेशा चौड़ी रखनी चाहिए क्योंकि छोटे बेबी को हमेशा डायपर में रखना होता है, तो पैजामी चौड़ी रहेगी तो ये कभी भी टाइट नहीं होगा। यहाँ से मैंने 2 इंच नेफा के लिए कपड़ा छोड़ दिया है और यहाँ पर 5.5 इंच नीचे हमें आसन का निशान लगाना होगा। तो ये निशान मैंने लगा दिया है। अब नीचे से हमें पैजामे की मोरी का निशान लगाना है जो कि हमने 4 इंच पे लगाया है। अब इन दोनों निशान को एक दूसरे से इस तरह से हल्का सा राउंड देते हुए मिला लेना है और इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने कटिंग इसकी कर ली है। अब हमें इस पैजामे में म्यानी लगाना है, तो सबसे पहले हम म्यानी को कट कर लेंगे। म्यानी को मैंने कट कर लिया है। अगर आपको म्यानी नहीं लगानी है तो आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ से 1 इंच ऊपर से इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे आसन तक, और इस कपड़े को आप कट कर दें तो ये आपका बिना म्यानी का पैजामा तैयार हो जाएगा। लेकिन मुझे इसमें म्यानी लगाना है। अगर आप म्यानी लगा करके बनाएंगे तो पैजामा और भी आपका कम्फर्टेबल रहेगा क्योंकि डायपर में बच्चों को अक्सर पैजामी टाइट हो जाती है। अब नीचे की साइड मैंने लगाने के लिए ये कपड़ा कट किया है जिसकी चौड़ाई 3.5 इंच है, लंबाई मैंने 4 इंच मोहरी के हिसाब से इसको 8 से 9 इंच तक रखा है, जो कि एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में कट कर देंगे। अब सबसे पहले इसकी सिलाई शुरू करनी है। तो दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग कर लिया है। अब दोनों पर इस कपड़े को हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके यहाँ पर रख के एक सिलाई से ज्वाइंट कर लेना है दोनों पार्ट को। तो दोनों की मैंने सिलाई कर ली है। अब वापस से हमें म्यानी को सिलाई करना है। तो म्यानी को हम यहाँ पर रखेंगे और इसे सिलाई से ज्वाइंट कर देंगे। ठीक उसी के सामने दूसरी साइड हम इस तरह से म्यानी को रखेंगे और इसे भी एक सिलाई से सिलाई कर लेंगे। तो ये सिलाई मैंने कर ली है म्यानी की। अब हम कपड़े को इस पर रखेंगे इस तरह से, और हम इस तरह से रख करके हम म्यानी के साथ दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगा लेने के बाद फिर हम वापस से इस पैजामी को यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे की साइड अच्छी तरह से सेट करके यहाँ से हम एक सिलाई से बंद कर देंगे। फिर हम नेफे की सिलाई करेंगे जो कि हमें लास्टिक के साथ सिलाई करनी होती है। आप चाहें तो लास्टिक बाद में लगा सकती हैं, चाहें तो सिलाई के वक्त। तो उसके लिए ये मैंने लास्टिक कट कर ली है। लास्टिक की लंबाई मैंने बेबी के हिसाब से रखी है। तो इस लास्टिक की लंबाई है 16 इंच। इसी में हमें दोनों साइड को पकड़ के बांध लेना है इस तरह से, और फिर हमने बेल्ट में एक साथ ही सिलाई कर दी है नेफे के साथ लास्टिक को रख करके। तो इस तरह से हमने पैजामी को तैयार कर लिया है। तो लीजिए ये हमारा बेबी पैजामी भी तैयार हो गया। इस तरह से हमने झबला और पैजामी दोनों तैयार कर ली है। अगर आपको ठंडी के सीज़न के लिए बनाना है तो आप झबले में स्लीव भी लगा सकती हैं।
चाहे तो इस तरह से कट भी बना सकती हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।